उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में गन्ने के एक खेत में गायों के कुछ शव मिलते हैं। हंगामा बढ़ता है, लोग सड़क पर उतरते हैं, पथराव होता है, आगजनी होती है, दो लोगों की जानें चली जाती हैं। एक होते हैं वहाँ के जो स्थानीय जो कोतवाली है वहाँ के इंस्पेक्टर, और एक वो युवक होता है जो कि कहा जा रहा है कि इस भीड़ में शामिल होता है। जहाँ ये घटना हुई वो जगह जो है वो दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 450 किलोमीटर दूर है, जिला बुलंदशहर है। गाय को लेकर हंगामा हुआ है, कथित तौर पे आरोप है कि गौकसी हुई है। ये जो रोड है ये महाओ के लिए जाती है, यहीं पे जो गाय के कंकाल जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हैं बताया जा रहा है आपको कि यहीं पे वो गाय कंकाल पाए गए थे, और ये पीछे लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर के करीब में यहाँ से वो गाय कंकाल लेकर इस ट्रॉली से, मेरे पीछे आप एक ट्रॉली देख रहे हैं, इस ट्रॉली से वो आए। तो हुआ क्या कि प्रशासन जो था, प्रशासन ने पहले तो मनाने की कोशिश की कि आप जाम खोल दीजिए, लेकिन जब जाम नहीं खोले गए और लोग बढ़ते गए तो प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग किया। जब हल्का बल प्रयोग किया गया तो जो लोग थे वो आसपास के जो गड्ढे हैं, जो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं बुलंदशहर की जो सड़क है इसके दोनों तरफ गड्ढे हैं, तो वो उन गड्ढों में जाके छिप गए, एक तितर बितर हो गए इधर उधर। और उसके बाद हुआ क्या कि कुछ देर बाद बहुत एकदम झुंड में एक साथ अटैक किया गया। उनके हाथ में पत्थर थे, वो पत्थरबाजी कर रहे थे। इस घटना में अब तक 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 2 FIR हुई हैं। एक FIR सबसे पहले योगेश राज ने करवाई थी जिसमें कहा गया था कि यहाँ पे गौकसी हुई है। दूसरी FIR दर्ज हुई जो शहीद इंस्पेक्टर थे हुए हैं उनके परिवार की तरफ से हुई है। कुछ और लोगों को इसमें धरपकड़ की जा रही है, मामले की जाँच जो है SIT के पास है। बुलंदशहर के शाना थाने के चक्रावटी पुलिस चौकी पर की जो आज घटना है जिसमें गौकसी के विरोध में लोगों के द्वारा जो जाम लगाया गया था और उस जाम को खुलवाते वक्त जो घटना हुई थी जिसमें कि पथराव हुआ था पुलिस के ऊपर और पुलिस की गाड़ियों में क्षति पहुंचाई गई थी, जो मौके पे SDM थे उनकी गाड़ी को भी क्षति पहुंचाई गई थी। इस पूरे मामले में किस प्रकार से ये शुरू में गौकसी की घटना हुई और जो भीड़ जो है हिंसात्मक हुई उसको उकसाने वाले कौन लोग थे, इन सभी पहलुओं की जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच का निर्णय लिया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इसमें हमारे अपर जिलाधिकारी प्रशासन जो बुलंदशहर के हैं उनको जांच मजिस्ट्रेट नामित किया जाता है, और शीघ्र ही इसमें जो है वो सभी पहलुओं की जांच जो है मजिस्ट्रेट जांच में करके और इसमें सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में गौकसी पे प्रतिबंध है और उसी के बाद लोग भड़कते हैं, नाराज होते हैं और सड़कों पर आ जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में गाय को लेकर के लगातार हंगामे हुए हैं, बहुत सारी जाने गई हैं। बुलंदशहर केस को लेकर सोशल मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। जो विपक्षी दल है उन्होंने सरकार को घेर रखा है, ये कहा यह जा रहा है कि ये साजिश थी दंगे फैलाने की, ये साजिश थी 2019 से पहले ध्रुवीकरण की, ये साजिश थी समाज को बांटने की।